ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है यहाँ पे, और यहाँ से लूँगी मैं सी सेक्शन। हेयर स्टाइल बना रही हूँ ब्राइडल की। एक बार चेक कर लीजिए लाइन सीधी है, उसके बाद यहाँ तो इन वाले बालों का हम पहले ही पोनीटेल बना लेंगे। तो पोनीटेल बनाने के बाद हम जो हमने ये वाले हेयर लिए हैं उनको अच्छे से कॉम कर लेंगे। पहले से पार्टिंग ले लेंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पे लगाएंगे, ब्राइडल है तो हम यहाँ पे टीका लगाएंगे। तो आप एक बार चेक कर लो क्लाइंट को कितना टीका कहाँ तक कहाँ पे रखना है उसे। मेरा टीका यहाँ पे आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे हम छोटा वाला पिन लेंगे, छोटे पिन के साथ इसको, तो जो थ्रेड है वो पिन के ही चारों तरफ लपेट दें। अब देखिए टीका सेट हो गया है। अब हम पफ बनाएंगे। चलिए हमें बैक कॉमिंग करने से पहले क्लाइंट का जो नेक है हमें इसे डाउन कर लेना है इस तरह से, और आगे को ले जाके अगर आप बैक कॉमिंग करेंगे तो बाउंस अच्छा आएगा। तो रूट में करनी है हमें बैक कॉमिंग। और उसके बाद इस पर स्प्रे कर दें। मैं यहाँ पे लॉरियल प्रोफेशनल का स्प्रे ले रही हूँ। उल्टी कॉम करते हुए पफ को क्लीन करेंगे। तो अब हम इसे पिनअप कर लेंगे। अब हम यहाँ स्प्रे स्प्रे कर लेंगे। इससे ये छोटे छोटे प्लफी हेयर हैं ये सेट हो जाएंगे। फ्रंट में बहुत सारे हेयर स्टाइल कर सकते हैं, और आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने किए हुए हैं। बट यहाँ पे जैसे कि बेसिक हेयर स्टाइल बना रहे हैं हम, जो अभी बिगनर्स हैं शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी ईजी रहेगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ से ये हेयर लेने हैं और इस तरह से ट्विस्ट करना है और इसको ले जाके पीछे सेट कर देना है। अब इसको फिर से थोड़ा सा डाउन करेंगे नेक को, और अच्छे से यहाँ पे हम सेट कर लेंगे पिन के साथ में। अब ये जो हेयर है इनको अच्छे से कॉम करें, रबर लगाएंगे। जोड़े के साथ ही हमें इसे पिनअप कर देना है। और अगर आप चाहें तो इसको अंदर की तरफ इसे ढक भी सकते हैं। कोई इसे बहुत फिनिशिंग नहीं देनी है, आप रैंडमली ऐसे लेयर बना के छोटी बना लें। तो देखिए इस तरह से आप कर लें, इसको अंदर की तरफ सारे हेयर्स को फिक्स कर लें। तो मैं इसको इस तरह से कवर करूंगी। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा ब्राइडल हेयर स्टाइल। तो फ्रेंड ये था मेरा ब्राइडल हेयर स्टाइल। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।